सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 की दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह आज आपका चौथा यानी कि फोर्थ चैप्टर आप लोगों का सीबीएसई पैटर्न नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इससे पहले 3 लेसन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कविता के लेखक हैं। इनके जो कवि हैं उनका नाम है, सभी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भगवती चरण वर्मा। और ये जो कविता है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में, बहुत सारे आपके केवीएस के विद्यार्थियों के द्वारा इस कविता को बार बार कई मंचों पर अलग अलग तरीके से इसका वाचन किया गया है। तो कविता को शुरू करने से पहले हम जो है इसके कुछ कठिन शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें पहला शब्द है हस्ती। हस्ती का यहाँ पे अर्थ होता है अस्तित्व यानी कि पहचान। आलम एक शब्द आया है, आलम का अर्थ होता है दुनिया, एक माहौल यानी कि वातावरण। स्वच्छंद एक शब्द आया है कविता के अंदर, तो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, मतलब जो स्वतंत्र है सभी से। ठीक है, तो ये इसके कुछ मैं जो कविता का वाचन करूंगी और साथ साथ में जो है आप लोगों को हर एक पंक्तियों का भावार्थ आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी। थोड़ा सा संक्षेप में मैं पहले बता देती हूँ, ये जो कविता है ये स्वाधीनता पूर्व लिखी गई है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलि वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है कि जो वीर होते हैं तो उन्होंने उनकी जो मनोदशा यानी कि जो उनका मन के अंदर जो भाव है वो क्या क्या होते थे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे ये जो कविता है अंग्रेजों के समय की लिखी हुई कविता है, और इसमें कवि ने उन वीरों का वर्णन किया है, उनके मन के भावों को यहाँ पर उजागर किया है जो कभी देश की आज़ादी का सपना देखते थे। चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो मैं अभी पंक्तियों का आपको भावार्थ बता देती हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ पर कवि ने दीवाने जो एक शब्द यूज़ किया है वो किसके लिए किया है, ये वीरों के लिए किया है जो देश को आज़ाद करवाने के लिए उस समय अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। ठीक है, तो हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब यहाँ पर वो दीवाने वो वीर कह रहे हैं, हमारी क्या पहचान, हमारा क्या अस्तित्व, हम आज यहाँ कल वहाँ। इस पंक्ति का अर्थ आप लोगों को ध्यान से समझना है, इससे प्रश्न भी बनेगा। है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर वीर क्या ये बात क्या कह रहे हैं कि हम आज हैं यहाँ कल वहाँ चले, वो तो देश को आज़ाद करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वीर हैं। तो वो बता रहे हैं हम दीवानों की कोई पहचान नहीं है यहाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम यहाँ हैं और यहाँ पर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो देश के लिए कहीं भी हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अंग्रेज उनको कभी भी पकड़ सकते हैं और पकड़ कर उनको जेल में डाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो वीरों ने जो बात कही है आज यहाँ कल वहाँ चले, मतलब आज हम आप लोगों के साथ बैठे हैं लेकिन हमारा कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आप लोगों के साथ होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी तरीके से अपना जो सर्वस्व है वो पूरी तरीके से देश पर उन्होंने न्योछावर कर दिया है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये दीवाने, यानी कि ये जो आज़ादी के दीवाने हैं, जो मस्ताने हैं, जो वीर हैं, ये क्या कहते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम मस्ती का आलम, मतलब पूरे संसार में हम खुशियाँ लेकर जाते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जहाँ पर भी जाते हैं सभी लोगों में हम एक जोश की भावना भर देते हैं। आप लोग याद कीजिए अपने कुछ वीरों को, जैसे भगत सिंह, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो है देश को आज़ाद करने की ठानी और देश के लिए हंसते हंसते वो सूली पर चढ़ गए। और भी आप इस तरीके के वीरों को याद कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हीं वीरों की बात हो रही है कि वो जहाँ पर भी जाते थे अपने देश के लिए वो जो है सभी लोगों में एक अलग सी मस्ती यानी एक अलग सी खुशी का माहौल पैदा कर देते थे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे
तुम कैसे आए, कहाँ चले? अब यहाँ पे वो वीर क्या कहते हैं, अभी हम आप लोगों के पास हैं तो आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हो सकता है अगले ही पल हमें सरकार की तरफ से या अंग्रेजी सरकार की यहाँ पर बात हो रही है कि हमें अभी पकड़ कर ले जाएं, तो आप लोगों की आंखों में आंसू भी आए। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे घर पर कोई आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा भावुक हो जाता है और हम लोग दुखी हो जाते हैं। और वैसे ही अभी अगर हम सैनिकों की बात करें, वर्तमान में सैनिक जब छुट्टी आते हैं, अपने घरों पर जब भी आते हैं, तो घर में पूरा माहौल, पूरा वातावरण एक प्यार भरा वातावरण हो जाता है, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो बच्चे भी और माँ के मन में भी और सभी के मन में एक जो है थोड़ा सा टीस पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर उन वीरों की बात की जा रही है कि ये वीर जो है अभी हंसी खुशी अपने परिवार में है, लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं या उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कैसा माहौल हो जाता है, तो सभी की आंखों में थोड़े आंसू, यानी सभी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। और सब उस समय कहते हैं, कहते ही रह गए कि उस समय सब क्या कहते रह गए, अरे तुम कैसे आए कि तुम अचानक से तो आ गए और एकदम से तुम कहाँ चल दिए, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे आप लोगों के घर कोई आता है, आप लोग उसको जाने नहीं देना चाहते हो, आप कहते हो अरे अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर और बैठो ना, थोड़ी देर और मेरे साथ खेलो ना। तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ओर चले हो? चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर वीर सपूत क्या कह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो। अगर कोई समाज में या कोई भी उनका अपना जो होता है, कोई रिश्तेदार या स्वयं माता पिता अगर पूछते हैं कि तुम किस ओर जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो वीर सपूत क्या कहते हैं कि यह मत पूछो, क्योंकि वो अभी किस भावना में है, पूरी देश प्रेम की भावना में है, अपने देश को वो क्या करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं। तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं है कि देश को आज़ाद कैसे करेंगे वो, लेकिन वो उस दिशा में चल पड़े हैं। इसलिए वो कहते हैं हमारी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर चल रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चलना है, मतलब उन्होंने क्या ठाना है कि हमें देश को आज़ाद करवाना है। हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में जाकर देश को आज़ाद करवा सकते हैं, लेकिन हमें चलना है इस रास्ते पे। हमें इतना पता है कि हमें देश को आज़ाद करवाना है, लेकिन ये नहीं पता है, हमारे को कोई निश्चित दिशा नहीं पता है कि किस दिशा में जाकर हम देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इसलिए हमें बस इतना पता है कि हमें देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे देनी है, इसलिए हम निश्चिंत होकर चल पड़े हैं। अगली पंक्ति है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यहाँ किसको कहा गया है, यहाँ पे संसार को कहा गया है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, जग से उसका मतलब हमने कुछ अच्छे पल इस संसार से लिए हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब कुछ अच्छे पल इस संसार से हमने लिए हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, और कुछ अच्छे पल हमने भी इस संसार को दिए हैं इस दुनिया में। हमने इस दुनिया से हमने भी कुछ अच्छे पल लिए, जैसे हमने भी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल जिए हैं और कुछ अच्छे पल उन्होंने भी हमारे साथ दिए हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और क्या कह रहे हैं, हम जो प्रेमी होते हैं, हम जो दीवाने होते हैं, देश के लिए जो प्राण न्यौछावर करने वाले होते हैं, दो बात हमने अपनी कही और दो बात हमने अपने घर वालों की सुनी। दो बातें कही मतलब क्या अर्थ है यहाँ पे, कुछ बातें हमने इस संसार की सुनी और कुछ बातें हमने अपनी कही, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए। कुछ हंसे मतलब कुछ उसमें बातें ऐसी थी जो कि हमारे को सुख देने वाली थी, जिस पर कि हम हंसे, और कुछ बातें ऐसी भी थी जिससे हमें बहुत दुख हुआ तो उस पर हम रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर का यहाँ पर शब्द है जी भर कर, मतलब हमने इस संसार में सुख और दुख के घूंट, मतलब सुख दुख के अनुभव, घूंट का अर्थ यहाँ पर किस उसमें दिया गया है, अनुभव के अर्थ में दिया गया कि हमने इस संसार में सुख और दुख दोनों के अनुभवों को छक कर, मतलब जी भर कर पिया है, हम एक भाव से पिए चले। एक भाव का अर्थ यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि हमने जाति धर्म संप्रदाय सब कुछ भुलाकर,
चाहे सुख आया, ऐसा नहीं है कि यदि सुख आया तो हम लोग इतना ज़्यादा सुख में मस्त हो गए कि हमने अपने देश की परवाह नहीं की, और दुख यदि आया तो हम लोग इतने दुखी नहीं हुए कि हमने फिर भी देश की परवाह नहीं की। यानी चाहे सुख की घड़ी आई या दुख की घड़ी आई, हमने दोनों को एक समान भाव से देखा। उसमें सुख का मतलब यहाँ पे ये भी होगा कि हमारे संसार में यानी हमारे भारत देश में यदि कोई प्राणी सुखी है उसको भी हमने एक समान भाव से देखा, और यदि कोई दुखी है उसको भी हमने एक समान भाव से देखा। उससे जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो हमने सुख और दुख के घूंटों को, सुख और दुख के अनुभव को एक समान भाव से हमने झेला या सहन किया, उसकी हमें कोई शिकायत नहीं है। आगे कवि क्या कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये अपनी पंक्ति का अंतिम अंतरा है जिसमें कवि क्या कहते हैं, भिखमंगे यहाँ पर किसको कहा गया है, भिखमंगे का अर्थ यहाँ पे जो है इस संसार को कहा गया है, ठीक है। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया यहाँ पे संसार को कहा गया है, जिसमें कवि क्या कह रहे हैं, ये जो दुनिया की एक प्रवृत्ति होती है केवल और केवल लेने की प्रवृत्ति होती है। आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि आप लोग किसी से भी जब आप मिलते हैं तो एक लेने का भाव रखते हैं, अपने देने का भाव किसी किसी के अंदर होता है कि हम जैसे हम हमारे भारत देश में ये होना चाहिए, अमेरिका में तो ये है, हम लोग बहुत तुलना करते होंगे हमारे भारत देश यहाँ इतना पीछे है, हम क्या हम अपने देश से बहुत कुछ चाहते हैं। आप लोग ये वर्तमान में भी ये है, इसलिए कवि ने इस संसार को कैसा कहा, भिखमंगा कहा है कि ये सिर्फ दुनिया से भीख की तरह मांगता रहता है। हम लोगों की भी ये प्रवृत्ति होती है कि हम केवल इस दुनिया से मांगने की उम्मीद करते हैं, उससे कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई कोई होगा ना जो भारत देश के लिए ये सोचेगा कि मुझे अपने देश के लिए ये करना है। जैसे वर्तमान में मैं बात करूं कोरोना की, बार बार प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग घर पे रहिए घर पे रहिए, उसके बाद भी लोग शिकायतों पर शिकायत कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देश के प्रति योगदान नहीं है, ये हमारा स्वार्थपन है कि हम देश का योगदान, हम देश के लिए योगदान देना ही नहीं चाहते हैं। तो बात यहाँ पर भिखमंगों की दुनिया, यहाँ पे कवि कह रहे हैं ये दुनिया की प्रवृत्ति क्या है, केवल और केवल लेने की है, लेकिन स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम लोग इससे बिना कुछ लिए स्वतंत्र रूप से इस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके चल पड़े हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उन वीर सपूतों की कहानी, उन वीर सपूतों की जुबानी ये बात कही जा रही है कवि के द्वारा कि हमने बिना कुछ उम्मीद किए इस अपनी भारत माँ देश पर हम अपना सब कुछ लुटाकर चल पड़े हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर यहाँ पर किसको कहा गया, हृदय को कहा गया है, ठीक है, निशानी मतलब चिन्ह। अब क्या है कि कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन वीर सपूतों ने बहुत प्रयास किया कि हमारा देश आजाद हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि इनके होते होते देश आजाद नहीं हो पाया। तो क्या कहते हैं ये वीर सपूत, उनके दिल पर एक भार है। यहाँ पे उर जो है हृदय के लिए यूज किया गया शब्द है कि हमारे दिलों पर एक निशानी सी मतलब ऐसे चिन्ह है, किसके चिन्ह है, वो असफलता के, यानी हम अंग्रेजों से अपने देश को आजाद नहीं करवा पाए, तो वो जो भार है वो हमारे हृदय पर अभी भी वो भार है और उसके निशान हमारे हृदय पर अभी भी लगे हुए हैं। हमने अपना सब कुछ नचावर करने के बाद भी हम अपने भारत देश को यहाँ पर आजाद नहीं कर पाए। अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम अंतरे में क्या कहते हैं कवि, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यानी जो ये वीर सपूत हैं, ये देश के लिए जब फांसी चढ़ जाते हैं, उस समय ये, उस समय की ये घटना है, उस समय की बातें अपने इनके मन में जो चल रही है, क्या कह रहे हैं, अब अपना और पराया। उस समय ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता कितने दुखी होंगे, उस समय इनके अंदर से अपना और पराया मतलब हम सारी दुनिया को ही ये क्या मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, पराया किसी को नहीं मान रहे कि ये हमें नहीं जानता। तो बल्कि जो हमारे भारत देश में रहता है उनको सभी को ही अपना मान रहे हैं, किसी को भी अपना पराया नहीं मान रहे हैं। अब क्या कहते हैं, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद मतलब सुखी। क्या कहते हैं, जो भी इस देश में हैं, जो इस देश में रुके हुए हैं, वो सब कैसे रहे, वो सुखी रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वयं बंधे थे मतलब
हम जो है अब इन लोगों से हमने स्वयं ही प्यार किया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने हमें कहा था कि आप इनसे प्रेम कीजिए, देश पर न्योछावर हो जाइए। ये जो भावना होती है कोई आप लोगों के अंदर भरता नहीं है, अपितु देश के लिए कुछ करने की जो भावना होती है वह हमारे अंदर स्वयं ही उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी हमने स्वयं ही सभी लोगों से प्यार करना सीखा था और हम और देश पर आज न्योछावर होकर अपना इन लोगों से स्वयं ही बंधन तोड़ रहे हैं। यानी हम देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए हम अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं और अपने सभी बंधनों को हम तोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि मैं हर एक पंक्ति का अर्थ आप लोगों को बताने में यहाँ पे कामयाब रही होंगी। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो है इसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।